कि मेरी शुरू से ही दो ट्रिक्स रही हैं एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। सबसे बढ़िया, मैं कोई भी कॉपी लेता हूँ ना, कोई भी बुक या कुछ भी मैं बुक रीड कर रहा होता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिस इज़ मी और अभिषेक शर्मा। आई होप सो आप लोग मुझे जानते हो, अगर नहीं जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप लोग मुझे जान जाओगे। सो गाइस, आज का जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ, मतलब सुबह के अभी 7:30 बज रहे हैं। मैं भी आज थोड़ा सा लेट उठा हूँ। कल रात को एक पार्टी में गए थे यार, उसके मैंने कुछ ग्लिम्पसेस डाले होंगे पिछले व्लॉग में, या फिर इसमें डाल दूंगा मैं। सो उसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए थे हम सारे, मतलब आसपास के सोसाइटी के ही सारे बच्चे गए थे हम साथ में, तो रात को आने में थोड़ा सा लेट हो गया। ऐसे वैसे थोड़ा सा लेट उठा हूँ आज मैं, सुबह 7:30 बज रहे हैं, वैसे 1 घंटा पहले उठना चाहिए था मुझे। एंड व्लॉग 2 दिन से इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा जो सॉफ्टवेयर है, मतलब जिससे मैं अपलोड करता हूँ, मेन बात यह है, वो भी काम नहीं कर रहा है। एक आध दिन में शायद हो जाए सर्वर ठीक, तो उसके बाद हम लोग दोबारा से रेगुलर हो जाएंगे। व्लॉग्स डेली कर रहा हूँ मैं, व्लॉग डेली कर रहा हूँ, रेगुलरली बना रहा हूँ, एडिट करूँगा अब और उसके बाद डेली अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन ना लो, ब्लॉग्स एक आध दिन में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ये जो ग्लिच है, तो उसके बाद हम डेली की तरह शुरू कर देंगे। हमारी चाय आ गई है तो पहले चाय पीते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं। आज मौसम बड़ा ही सुहाना है, आप लोग देख सकते हो, मतलब तो बड़ा ही गजब का मौसम हो रहा है आज। बस अब चाय पियेंगे, चाय आ गई हमारी, बैठते हैं एक जगह अच्छी सी जगह, उसके बाद चाय पीते हैं। मुझे तो यही जगह फेवरेट लगती है, मतलब हर जगह कहीं पे भी बैठ सकते हो आप यहाँ। सो मैं बैठूँगा मोगराज के पास, जो मैंने मोगरा के पौधे लगाए हैं उसके पास। सो मोगरा और हिबिस्कस, बहुत सारे प्लांट्स लगाए मैंने, तो उनमें से एक ही है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जल्दी। ठीक है, सो गाइस, ये है हमारा गुड़हल, ये सबसे फेवरेट प्लांट्स में से एक है ये। मतलब इसकी बात ही मैं क्या ही करूं, ये सबसे पुराना और मेरा सबसे पहला प्लांट भी कह सकते हो आप लोग इसे। इससे पहले मेरे पास वो होता विन का, जिसे सदाबहार कहते हैं, ये हमारा मोगरा है। और गाइस, इसका तो पता नहीं क्या ही हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ेगा। ये सारे मोगरे हैं, कीड़े हुए, मतलब मैंने खूब हटाने का ट्राई किया लेकिन ये हट ही नहीं थे। मेरे ख्याल से ये प्लांट को ले डालेंगे इस वाले को, तो बट आज मैं अभी दोबारा से ट्राई करूँगा। ये हमारा एलोवेरा और बाकी के दूसरी छत पर रखे हुए हैं, सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में। एंड ये वाले हैं, मतलब विनका मेरा शुरू से ही फेवरेट रहा है। विनका के लिए भाई बहुत दिनों से हमदर्दी है। ये वाला विनका पता नहीं इसे क्या हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है, इसके अंदर भी विनका है। ये मेरा सबसे पुराना विनका है, मतलब सदाबहार। और सूरज देवता की भी हमारे ऊपर ही मतलब नज़र है, और चाय की पहली चुस्की। मज़ा आ गया। चाय एक ऐसी चीज़ है जो आप कभी भी पी सकते हो, मतलब उसके लिए आपको कोई फिक्स वैलिड रीज़न नहीं चाहिए। हमारे इंडिया में पता क्या होता है, मतलब हमारे यहाँ एरिया में, कि अगर किसी के सर में दर्द हो रहा ना, हाँ चाय बना लो, चाय पी लो यार। मतलब पेन किलर की तो कोई बात ही नहीं करता, पेन किलर की बात क्यों करें यार, जब पेन किलर किसी चीज़ काम की होगी तो यूज़ करेंगे ना उसका हम। जब पेन किलर का कोई यूज़ ही नहीं है तो उसका क्या करें। जब ज़्यादा किसी के सर दर्द हो तो भाई जो देख लो अपना डॉक्टर के पास, प्रिस्क्रिप्शन ले लो, नहीं तो सब ठीक ही है, चाय पी के ठीक हो जाओ। मुझे तो चाय पसंद है यार, आई एम अ चाय लवर। तो ख़त्म करता हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करता हूँ। चलो आई नो गाइज, आप लोग भी ये जानना चाहते हो मेरे इतने दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। सबसे बड़ा इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स आ चुके हैं, जिसके बारे में मुझे अभी स्टडीज़ कर रही हैं। एंड और दूसरा मेन रीज़न ये है कि भाई कुछ शादियों में मैं गया हुआ था, ये शादियों का सीज़न चल रहा है, तो इस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। अगर नहीं जाता तो अच्छा नहीं लगता यार उन लोगों को, उन्होंने इन्वाइट किया है, और कुछ फैमिली फ्रेंड्स वगैरह थे, तो मतलब कुछ ना कुछ बीच बीच में पड़ता रहा, तो इस चक्कर में हम लोग ब्लॉग शूट नहीं कर पाए। लेकिन अब हम रेगुलर हैं, जैसे कि मैंने शुरू में आप लोगों से कहा था कि मैं रेगुलर ही रहूँगा चाहे कुछ हो जाए। बट गाइस, सारा सेटअप एक साथ नहीं ले जा सकते ना हम एक ही जगह पर,
जैसे कि मान लो व्लॉग तो चलो मैं फ़ोन से कर लूँगा, कैमरा नहीं मिला तो बट बात ये है ना, कैमरा का साउंड अलग रहता है, फ़ोन का अलग रहता है, एंड दूसरा एडिटिंग सबसे मेन चीज़ है। एडिटिंग नहीं कर सकते ना ऐसे, एडिटिंग के लिए प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, और प्रॉपर सेटअप यहाँ दिल्ली में। और मैं शादी के लिए मतलब कुछ आउट लोकेशंस पे थोड़ा बहुत गया था, सो गाइज यहाँ पे नहीं हो पाया, बट ठीक है, जो व्लॉग्स बनाए उन्हें एडिट करके डालेंगे, रेगुलरली आते रहेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट यार मुझे अब ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे दो व्लॉग्स पेंडिंग पड़े हैं, ठीक है, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं व्लॉग एडिट करूँ या फिर पढ़ाई करूँ, व्लॉग एडिट करूँ या फिर पढ़ाई करूँ। तो गाइज़ आप लोग बताओ कमेंट में कि क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो क्या ही करूँ यार, समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं खुद इस दुविधा में फंसा हुआ हूँ। मेरे पास अभी 4 बुक्स और पढ़ी हैं, उन्हें भी कंप्लीट करना है, एंड सबसे बड़ी बात यह है कि जून में मेरे एग्ज़ाम्स हैं। सबसे पहला मेरा मीडिया का है, सेकेंड है सिनेमा का, थर्ड है पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का, एंड उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन का। सो गाइज ये 4 मेरे सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैंने अभी तक, सच बताऊँ तो क्लासेस भी नहीं हुई हमारे कॉलेज में, एंड ट्राई कर रहे हैं हम लोग यार खुद से पढ़ने की। कॉलेज की यार ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, बट उसमें मतलब ये कुछ बताया नहीं, एंड क्लासेस भी ऐसी निल निल थी, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। ठीक है, जैसे होगा तैसे देखेंगे। मैं कुछ बुक्स बाहर से परचेज करके लाया हूँ, जो कि इससे पहले जो व्लॉग आया आप लोगों ने उसमें देखा होगा, एंड जो बुक्स मतलब मैंने पहले फाइनल की थी ना कॉलेज के बाहर से, बस उन्हीं के जैसी ही दूसरी बुक्स मुझे मिल गई। ये पब्लिकेशन सीरीज़ करके है, तो मैंने वहाँ से ले ली थी, तो सही मिल गई मुझे, और उन्होंने मतलब कुछ डिस्काउंट मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए रखा है, अगर आप लोग चाहो तो जाके ले सकते हो वहाँ से। एंड जो भी डिटेल्स है मैंने उस वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो का लिंक या तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर आई बटन में आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज अब मैं आगे स्टडीज़ कर रहा हूँ, देखते हैं क्या करते हैं, व्लॉग शूट करूँ, एडिट करूँ, शूट करूँ, एडिट करूँ, या फिर पढ़ाई करूँ या एडिट करूँ, पढ़ाई करूँ या फिर एडिट करूँ। यार ये दो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है, पढ़ाई एडिट, पढ़ाई एडिट, पढ़ाई एडिट। मतलब ज़िंदगी मेरी देखा जाए ना तो 4 या 5 पलों पर थमकी रह गई है, एंड बीच में गाइस कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो गए थे जिससे कि मतलब मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया था, शायद ये बात आप लोगों को बतानी चाहिए या फिर नहीं मेरे ख्याल से, बट जो भी आप लोगों से मैं शेयर तो ज़रूर करूँगा। बट वही है ना, एडिटिंग में प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, क्योंकि लैपटॉप पर लगाओ ना उसे तो एक साइड साउंड आ रहा है, एक साइड साउंड नहीं आ रहा है। एंड दो सेकेंड थिंग इज़ कि मेरा जो चेयर था ना, मतलब एकदम से पता है क्या हुआ, मैं वहाँ बैठा हुआ था तो मेरे सिबलिंग ने वहाँ से उठाया, एंड पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, वो हल्का सा टच किया और टेढ़ा होके नीचे गिरा और भड्ड सीधे टूट गया, तो उसके गाइस 3 टुकड़े हुए थे। अब एक तो वो हो गया, और एक और छोटी सी चीज़ हुई थी, उसके बारे में आप लोगों को शायद ही बताऊँगा, आगे बताऊँगा कभी अगर मौका लगेगा तो, आज तो मौका है नहीं, बट ठीक है चलो। मतलब व्लॉग मैंने शूट किए, ठीक है, लेकिन प्रॉपरली नहीं कर पाए, इस वजह से मैं उन व्लॉग्स को मैं कभी डाल नहीं पाया, एंड कुछ व्लॉग्स अच्छे अच्छे बनाए थे, उनकी शूटिंग की, एडिटिंग भी फाइनली हो ही रही है, कर रहा हूँ मैं, मतलब अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ मैं फाइनली, बट थोड़ी बहुत देर में हो जाएगी। ये मेरा कैमरा के गिम्बल को पता नहीं क्या हो गया है, बार बार ऊपर नीचे पोजीशंस चेंज करता रहता है। सो गाइस जो मुझे शुरू से जानते हैं ना, उन लोगों को पता होगा कि मेरी शुरू से ही 2 ट्रिक्स रही हैं एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। सबसे बढ़िया, मैं कोई भी कॉपी लेता हूँ ना, कोई भी बुक या कुछ भी मैं बुक रीड कर रहा होता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास 2 चीज़ें रहती हैं हमेशा, एक तो मेरी ये बुक और मेरे 2 पेन, ठीक है। सो मेरा सबसे मेन ट्रिक पता है क्या है, मैं क्या यूज़ करता हूँ, पेंसिल फॉर द इम्पोर्टेंट एंड पेन फॉर द सुपर इम्पोर्टेंट, मैं ये 2 ट्रिक्स यूज़ करता हूँ, एंड मस्त हो जाता है काम, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो भाई इस बार भी हम लोग भी यही करेंगे, जय माता दी यही है, ठीक है। सो पेंसिल रहेगी हमारी इम्पोर्टेंट के लिए, नॉर्मल जो 50-50, 60-60 तक जो भी जाएगा वो पेंसिल से होगा, एंड द सुपर इम्पोर्टेंट गोज़ विद दिस पेन। सो गाइस करते हैं, पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। सो द फर्स्ट केस इज असेसमेंट मेथड एंड द एसेंशियल्स। चलो जी। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मतलब मैंने अपने लाइफ में डेली के लिए 7 गोल्स मैंने मतलब डिसाइड किए हैं,
ये अगर मैं सातों के सातों गोल्स अचीव कर पा रहा हूँ एक दिन में के अंदर अंदर, देन इट शुड बी अ बेटर थिंग फॉर मी। एंड इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके सारी चीज़ें दिखाऊंगा। एंड यार मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, तो यार ज़्यादा रेगुलरिटी के बारे में मतलब भाषण मत देना। अब भाषण क्या है यार, मैं मतलब डेली ट्राई कर रहा हूँ, डेली व्लॉग्स डाल रहा हूँ, बीच में चार दिन का गैप हो गया था, उसके लिए गाइस सॉरी, उसके लिए सॉरी बहुत ज़्यादा, बिकॉज सर्वर का कुछ प्रॉब्लम हो गया था एकदम से ही। मतलब मेरे जो सारे दोस्तों के भी सिस्टम थे ना, वो भी सारे हट गए वहाँ से, अब कुछ हो ही नहीं सकता था उस टाइम पे। फिर जैसे तैसे करके जुगाड़ लगा लोगों के, हम लोगों ने वो सर्वर वापस से हासिल किया, एंड देन दोबारा से शुरू कर दिया व्लॉग्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा, पाँचवें दिन से फिर दोबारा आने लगे, सुबह 8 बजे करेक्ट मेरे व्लॉग्स आ जाते हैं। गाइज मैं सोच रहा हूँ कि सुबह 8 बजे के बजाय, मतलब जैसे सुबह 8 बजे अगर नहीं आ पाया व्लॉग, तो क्या आप लोग रात को देखना पसंद करोगे, रात को या दिन में? सो गाइज जो भी आप लोगों का टाइम सुइटेबल हो ना, जैसे मैंने दो टाइम सोचे हैं, एक तो दोपहर में, मतलब सुबह 8 बजे तो आएगा ही आएगा व्लॉग, अगर जैसे सुबह 8 बजे बाई चांस नहीं आ पाया बिकॉज ऑफ वाईफाई इशू या फिर कोई एडिटिंग का इशू, तो दोपहर में 3 बजे या फिर शाम को 7 बजे या फिर मतलब 10 बजे के बीच में, जैसे कि फ्लाइंग डिश से डालते हैं हमारे, तो उस तरीके से अगर डाल दूँ तो आप लोग देखना चाहोगे, या फिर सुबह 8 बजे सबसे बेस्ट है। सो गाइस डेट शीट आ चुकी है, बैंड बजने वाली है, मेरी नहीं दूसरों की।